श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रावण महीने की नौमी तिथि, कौन सी तिथि? नौमी, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की। सात दुर्वा, कितनी दुर्वा? सात दुर्वा अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाकर, गणेश जी के चरणारविंद को लगाकर उसको लेकर आना है। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर, कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव, उसको लेकर आइए। पेट में रोग हो, बीमारी हो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो, शरीर के अंतर्गत एसिडिटी रहती हो या पेट के अंतर्गत कोई ना कोई बीमारी बनी ही रहती हो, उसको भादो के महीने में, कौन से महीने में? भादो के महीने में किसी भी दिन सुबह के समय जब आप वो दुर्वा लेकर आए, 5 दिन 6 दिन 7 दिन में एक एक कर कर खाली पेट उसको चबा चबा कर खा लो और पानी पी लीजिए। करना पड़ेगा श्रावण महीने में, खाना पड़ेगी भादो में, चतुर्मास में, चारों महीनों का बड़ा बड़ा महत्व है। कभी आपको एक स्मरण रहा हो कि जिस नारी के, स्त्री के रजोधर्म से जुड़ी हुई या पुरुष वर्ग में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इस उदर से लेकर एड़ी तक के बीच में जो भी तकलीफें होती हैं उससे जुड़ी हुए के लिए भी सावन के महीने में प्रयोग आता है, उसको कर लेने से संपूर्ण जीवन समय में ये नाभि कोष से लेकर एड़ी तक के बीच में कभी तकलीफ हो ही नहीं सकती। और वो जल शंकर भगवान को शूल पाणेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया गया, कौन से महादेव के नाम से? शूल पाणेश्वर महादेव। This video is powered by Shri Shivaya Namastubhyam. शूल पाणेश्वर, उसका भी स्थान है कि वो जल कहां चढ़ता है। तो पहले तो नौमी तिथि का दुर्वा प्रयोग भगवान शंकर को समर्पित करते हुए, अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करते हुए श्री गणेश जी महाराज को कहकर, आपको याद होगा जिस समय पर श्री गणेश जी महाराज कुबेर जी महाराज के घर में भोजन करने गए थे, सारा अन्न भगवान गणेश जी पा गए थे, तब शंकर भगवान ने दुर्वा भेजी थी। ये दुर्वा जब गणेश जी को भेजी गई थी तो वो औषधि के लिए भेजी गई थी कि गणेश जी ने ज्यादा पा लिया है तो शरीर में रोग ना हो जाए, पेट में कोई रोग ना हो जाए, तब शिव जी ने भेजी थी अशोक सुंदरी के माध्यम से। इस दुर्वा का प्रभाव रोग मुक्ति के लिए किया गया। रोग खाली ना जाता कोई, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहे पसार, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहे।